Bye, Mom. Bye, Mom. Bye, Daddy. Bye, Mom. मुंबई में एक साथ रहे। मैं तो आ नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं आना आपके साथ रहने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा आपके साथ रहने। ना नहीं लग रहा, मैं जल्दी से जाकर उन्हें लेके आता हूँ। मालिक उठिए ना, उठिए ना। सुनो मालिक, सुनो सुनो आगे बोलो, आगे बोलो, आगे आगे। दिमाग के सदमे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, उसी की वजह से माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टर, इन्हें अस्पताल जाने की तो जरूरत नहीं है ना, ठीक हो जाएंगे ना? फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है, अगर खुश रहेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी देर में होश आ जाएगा इन्हें, उसके बाद जैसा मैंने बताया था वो दवाइयां इन्हें देते रहिए, ठीक है? परिमल बेटा, तुम्हारे बापू को हार्ट अटैक आया है। क्या बापूजी, इतनी छोटी सी बात को आपने दिल पर लगा लिया? हम नहीं जानते थे बापूजी कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। कुछ भी नाराजगी सही, अगर आप हमारे बापूजी हो हम आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते बापूजी। बापूजी, आप हमें माफ कर दीजिए और प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। हाँ बापूजी, हम सब आपके साथ रहेंगे, आपके और माँ के साथ। हम ही क्या बापूजी, आप कहेंगे ना तो हम अपने पड़ोसियों को भी साथ ले आएंगे। आप बस हुक्म कीजिए बापूजी। कब होश आया आपको? कल रात को, जब मेरे बेटों ने मेरी आंखें खोली थी। देखिए, आप इसके बारे में अभी मत सोचिए। डॉक्टर ने आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने से मना किया है ना? अब सब चिंताएं खत्म हो गई ला। जिस घरौंदे के लिए दिन के इकट्ठे कर रहा था, उसे बनाने की चिंता ही नहीं रही। नहीं, मैंने सोचा अभी अभी गए हैं तो
क्यों परेशान करे उन्हें, और फिर अभी आप बिल्कुल ठीक हो। वो बताए पार्वती, शादी के 45 साल बाद भी तुम्हें मुझसे झूठ बोलना नहीं आया। मना कर दिया ना सबने? परिमल बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे बापू को हार्ट अटैक आया। माँ आप तो जानते हैं कि बापूजी वैसे मुझे देखकर टेंशन में आ जाते, और ऐसी हालत में उनके लिए ठीक नहीं हूँ, तो आई थिंक बेटर है कि मैं ना हूँ। डॉक्टर ने देख लिया ना माँ, और आप बता रही हो कि खतरे की कोई बात नहीं है, तो फिर मैं आके क्या करूँगा? अभी तो मैं वापस पहुँचाऊँगा, और फिर एक दो दिन में आप लोग वापस आ ही जाओगे, तब आकर उनसे मिलूँगा। माँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल कर दूंगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ मगर मैं कोशिश करूँगा आने की, मगर मुश्किल ही लग रहा है माँ। मना कर दिया, सबने मना कर दिया। लेकिन आप ये सब क्यों सोच रहे हो? आप बस ठीक हो जाओ एक बार, फिर हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? हम दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। इला, दुनिया के लोगों को अगर किसी जान पहचान वाले के बारे में भी ऐसा पता चलता है तो सहानुभूति दिखाने आ जाते हैं। और हमारे बेटे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका बाप जिंदा रहे या। क्या हो रहा है आपको? मैं गोली देती हूँ। शांत हो गया? तुम मुझे इतना डांट रही हो तो तुम्हारे डर से शांत हो गया? झूठ बोलना तो 45 साल में आपको भी नहीं आया। बताइए ना क्या बात है? कल हम सब कितने खुश थे, फिर मुझे पता चला कि मेरे बेटे अब वैसे नहीं रहे जैसे मैंने सोचे थे, वो बदल गए। उन्होंने आपके साथ रहने से मना कर दिया इसलिए? तो फिर सेठ जी तुम्हारे बच्चे क्या? सारी दुनिया ही बदल गई है। आज कितने बेटे शादी होने के बाद अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो क्या वो सारे अपने माँ बाप से नफरत करते हैं? इला बात सिर्फ साथ रहने की नहीं है, तुमने देखा ना उनके दिल में मेरे लिए कितनी नाराजगी है। लेकिन इसका ऐसा समय था, बस इतनी हद तक नाराजगी होगी ये नहीं सोचा था। सब कुछ पता होते हुए भी इस बारे में मैंने इतने सालों कुछ नहीं किया। क्या सोच रहा था मैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा? हिला, मेरे बेटे मुझसे नफरत ना करते हो, मगर ये भी सच है कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करते और एक दूसरे से भी प्यार नहीं करते हो, और ये ठीक अपने जड़ से अलग होकर किसी पेड़ की शाखाएं हरी भरी नहीं रह सकते। और शायद इसका जिम्मेदार मैं भी हूं। ये सही नहीं है, आपने हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचा है। फिर भी इतनी सारी गलतियां हो गई मुझसे,
इला अगर एक माली पौधा लगाए और वो पौधा सूख जाए तो इसमें सारी गलती पौधे की नहीं होती है, इसमें कहीं ना कहीं कसूर माली का भी होता है। आप क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो? इससे दुख बढ़ेगा ना? नहीं इला, अब दुख का इलाज ढूंढने का वक्त है, अपनी फुलवारी को फिर से सींचने का वक्त है। तुम देखना अब ये माली अपने पौधों को सूखने नहीं देगा। इला मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, अपने बेटों को वापस अपने घर लाना। मैं आपके साथ हूं, हम हमारे बच्चों को फिर से घर ले आएंगे। जास बोले सारा आकाश बोले, दिए का उजास बोले सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये, मंदिर का रूप है ये है। मुझे नहीं आना आपके साथ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा आपके साथ। कहते हैं जिसको परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार। रास्ते में शूल है तो माजी के फूल भी हैं, मन की ये सारी बातें हमको कबूल भी हैं। रास्ते में शूल है तो माजी के फूल भी हैं, मन की ये सारी बातें हमको कबूल भी हैं। कोई भी हो मुश्किल करेंगे हम रमेश भाई। गोवर्धन, कैसी तबीयत है भाई? कल से आज बहुत बेहतर। कल इला भाभी से बात हुई तो मैं सिंगापुर में था भाई। कल भाभी से बात होते मैं वहाँ से निकल गया था, मुंबई आ गया हूँ, बस तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। अरे क्यों तकलीफ करे रमेश भाई, सच में मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो तो क्या, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। जरा भाभी को फोन दो। अच्छा बात कर। हाँ रमेश भाई, केम छो? परेशान तो हम दोनों हैं रमेश भाई, पर ये नहीं पता कि ये परेशानी दूर कैसे होगी। कल इतना सोचकर ये तो समझ में आ गया बापू क्या मुझे करना क्या है, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करूं कैसे, कैसे अपने बेटों को अपने पास वापस लाऊं, कैसे आपको दिया हुआ वचन पूरा करूं। आप जब तक थे तो हमेशा मुझे रास्ता दिखाते थे, आपको हमेशा पता होता था कि मुझे क्या करना चाहिए। आज मुझे आपके उसी आशीर्वाद उसी सलाह की जरूरत है। एक बार इशारा कर दो कि आप मेरे साथ, मुझे लड़ने की ताकत मिल जाएगी।
आप ही थे ना बाबू, आप ही थे ना। आपके इत्र की खुशबू अब भी है यहां। इला, इला, अरे क्या हुआ? आओ। क्या हुआ? मुझे बाबूजी का इशारा मिल गया। उन्होंने खुद आके मुझे आशीर्वाद दिया। खुद आकर क्या कह रहे आप? बस इतना समझ दो इला कि जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है उसकी तरफ हमारा पहला कदम पड़ने वाला। मैं कुछ समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी तुम। रमेश भाई आते होंगे, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ अभी करते हैं। गोवर्धन, गोवर्धन मेरे भाई। अच्छे बेटे हैं तुम्हारे, यकीन नहीं होता कि उन्होंने ये सब कुछ कहा। कुछ साल पहले परिमल ने मुझसे कहा कि बाबूजी आपका घर छोटा है, मैं अलग रहने चला जाता। मैंने कहा ठीक है, फिर निरंजन, राहुल, समीर एक एक करके सपने मेरा घर छोड़ दिया। उस वक्त मैं ये नहीं समझा रमेश भाई कि मेरे बच्चे मेरा घर नहीं छोड़ रहे बल्कि मुझे छोड़ रहे। उस वक्त तुम कैसे अंदाजा लगा सकते थे? अंदाजा लगाना चाहिए था रमेश भाई, मुझे सोचना चाहिए था। बचपन में खेली रामलीला में लक्ष्मण क्या बना, मैं तो लक्ष्मण ही बन के रह गया। आपके पीछे पीछे चलते हुए मुझे भी वनवास हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपका लक्ष्मण तो बन गया रमेश भाई, मगर मेरे अपने मुझसे छूट गए। गोवर्धन सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वजह से। अरे नहीं 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 रमेश भाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता रमेश भाई, आपने तो हमेशा मुझे एक भाई जैसा प्यार और सम्मान दिया। ये तो बस मैं ही था जो एक जिम्मेदारी निभाते निभाते बाकी के फर्ज भूल गए। आओ भाभी आओ, बैठो। इन दुख भरी बातों के बीच मैं आप दोनों को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। गोवर्धन तुम्हें पता है ना कि हमारी हवेली के पीछे रामजी भाई पटेल की बहुत सारी जमीन है। जी हाँ जी हाँ, जमीन पर तो खेती भी नहीं करता, बस बरसों से ऐसी पड़ी है। अब वो जमीन ऐसे ही नहीं पड़ी है, एक बड़ी कंपनी ने कार बनाने की फैक्ट्री लगाने का फैसला कर दिया है। तो क्या वो पड़ोसियों को कार सस्ते में बेचेंगे? आपकी ये हवेली और उसके आसपास की जमीन के भाव कितने बढ़ गए हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी हवेली की कीमत आज के दिन क्या होगी? कितने? 5 करोड़। 20 से 22 करोड़ इस हवेली के मिलेंगे और उसके आसपास की जमीन के अलग। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाबूजी ने मुझे आशीर्वाद दी थी कि कोई ना कोई रास्ता वो हमें जरूर सिखाएंगे। हाँ क्या करने की सोच रहे हो आप? इला, हम इस हवेली को बेच देते हैं। क्या? और मुंबई में एक बड़ा सा बंगला खरीद लेंगे। कैसी बातें करते हो गोवर्धन, ये तुम्हारे पुरखों की निशानी है, तुम्हारी कितनी पीढ़ियां रह चुकी है यहाँ पर। वो सब मेरा बीता हुआ कल है रमेश भाई, अगर आज मेरे सामने सवाल मेरे और मेरे परिवार के आने वाले कल का है, भविष्य के लिए भूतकाल को तो भूलना ही पड़ेगा। बीता हुआ कल तो मेरा भी जुड़ा हुआ है इस हवेली के साथ। याद है यहाँ एक मेरा छोटा सा घर हुआ करता था, हम बचपन से दोस्त थे, सारा दिन इस हवेली में खेला करते थे। दोपहर का खाना मैंने कब अपने घर में खाया मुझे याद तक नहीं। रमेश भाई ये हवेली हमें भी तो प्यारी है। भाभी इस हवेली ने मुझे और मेरे परिवार को जीवन दान दिया है। गांव में बाढ़ आ गई थी, हमारा कच्चा मकान भी उसमें बह गया था,
हम सब भी उसमें बह रहे थे। गोवर्धन के बापूजी और उनके आदमियों ने हमारी जानें बचाई, फिर इस हवेली में हमें शरण दिया। कुछ दिनों बाद रोजी रोटी ढूंढते हुए मैं शहर चला गया और देखो किस्मत, कितने शहरों में कितने मकान बने, लेकिन ऐसा घर नहीं बना पाया जिसमें बड़ों का आशीर्वाद, बचपन की यादें। कैसे बना पाता है ऐसा? गोवर्धन, कुछ देर पहले तुमने खुद को मेरा लक्ष्मण कहा था, तो मेरे भाई एक मौका मुझे भी दे दो तुम्हारा राम बनने का। मैं कुछ समझा नहीं। मुंबई में मैंने एक नया बंगला बनाया, वो तुम ले लो और ये हवेली मुझे दे दो। Yeah.